जब परमेश्वर ही किसी से जबरदस्ती कर रहा तो जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले वो जबरन कैसे ये काम करा लेंगे। तो परमेश्वर ने मैंने जगत से प्रेम किया और अपने कलौता पुत्र फिर शब्द आया ताकि जो जबरदस्ती ताकि जो जिसकी इच्छा है वो विश्वास लिखा उसने जगत से प्रेम किया और अपने कलौता पुत्र सबके लिए दे दिया। बाइबल कहती ताकि जो कोई भी ताकि जो कोई जो उसका विश्वास करे कि मेरे पापों के लिए यीशु मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे मुर्दों में से जी उठा। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, वो अलग बात है। लोग कहते हैं ये लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। यहाँ पे लोगों को इतना सिखाते हैं ना, इतना समझाते हैं, इतने उन पर वर्क इतना मेहनत की जाती है, फिर भी कई लोग उसके साथ बने नहीं रहते। और लोग बात कर रहे हैं जी जबरन जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हमने आज तक कितने लोगों पर मेहनत की, कईयों को कितना वचन समझाया सिखाया, फिर भी वो प्रभु में बने नहीं रहे। लोग बोल रहे हैं जबरन जबरन, लोगों को क्या पता। जो मसीह लोग हैं जिन्होंने उसके सत्य वचन को जाना वो कितनी मेहनत करते हैं। बोलो क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं लोगों पर, तब जाकर लोगों को सत्य समझ आता है, तब लोगों का जीवन बचता है, तब जाकर उनके जीवन में गवाही बनती है, तब वो परमेश्वर के साथ जीने के लिए तैयार होते हैं। हाँ समझ आती है कि सच्चा खुदा कौन है, कौन मेरे पापों के लिए मारा गया है। हाँ किसने मुझे स्वर्ग राज का अधिकारी होने के लिए अपने पास बुलाया है। समझ आ रही है। तो लोग कह रहे हैं जी जबरन जबरन ये करा रहे हैं। मैंने हम कितना लोगों को बताते हैं फिर भी वो बने नहीं रहते। क्या नहीं रहते, बने नहीं रहते वो। हाँ नहीं जी हमारा काम नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हुआ। ऐसे कभी हो सकता है, जब परमेश्वर ही किसी से जबरदस्ती कर रहा तो जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले वो जबरन कैसे ये काम करा लेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने मैंने जगत से प्रेम किया और अपने कलौता पुत्र दे दिया। शब्द आया ताके जो कोई, जबरदस्ती नहीं ताके जो कोई जिसकी इच्छा है वो विश्वास करे। तो बाइबल कहती तू बचाया जाएगा, क्या जाएगा तू, और तू अनंत जीवन का वारिस होगा। बोलो क्या होगा, अनंत जीवन का तू वारिस होगा, वारिस। आमीन।